अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज इस घर में मेरा सेकंड डे है और बाकी अभी मैं सुबह उठ गई हूँ, अभी मैंने नाश्ता बनाना है और आज जाना है मैंने डॉलरामा। ये व्लॉग अपलोड होगा, फिर मेरा कॉलेज का व्लॉग अपलोड होगा। मैंने एक गैप ईयर के बाद अब कॉलेज जाना है और वो भी एक मतलब इंटरनेशनल कॉलेज में जाना है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोग होंगे। नया चैप्टर है मेरी लाइफ का, न्यू प्रोफेसर्स, न्यू एवरीथिंग, हर स्टेप नया। पहली दफ़ा कॉलेज देखना है, सारा कुछ करना है। तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस बहुत ज़्यादा हूँ। स्केयर्ड तो नहीं हूँ लेकिन एक्साइटेड नर्वसनेस, वही ना, दोनों चीज़ें मिक्स हैं। तो बाकी आप लोगों को बताएं कि आप लोग सबसे ठीक ठाक हैं, गुड लाइफ सब की चल रही है, अपनी पढ़ाई शढ़ाई कर रही हैं, जो भी आप लोगों की रिस्पेक्टिव जॉब्स हैं वो कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 100K को जो है वो हिट करने लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सिल्वर प्ले बटन चाहिए, मैंने यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगाना। तो खैर अभी हम चलते हैं नीचे, मैं बनाना है नाश्ता। और क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो जाना है ना, तो मेरे पास इस्त्री करने का टाइम नहीं होना, इतनी चीज़ें करने का टाइम नहीं होना। कबर्ड में मैंने ऑर्गेनाइजर्स ला के रखने हैं, कमरा एक बार मेरा सेट हो जाए, वैनिटी, शोकेस, स्टडी टेबल, साइड टेबल आ जाए, तो फिर मैं आपको ना सारा कमरा जो है वो हाउस रूम टूर भी दूंगी। हाउस टूर तो मेरा मुश्किल है लेकिन रूम टूर मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, ठीक है ना। तो बाकी चले भी मैं नाश्ता बनाती हूँ, जाके आप लोगों के साथ लेके चलती हूँ। फिर हम डॉलरामा जाएंगे, वहाँ पे ना सब कुछ ना एक एक डॉलर का मिलता है, $2-3 मैक्सिमम मिलता है, और दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस पे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो जैसे $1 शॉप नहीं होती वैसे ही ना ये होता है, लेकिन थोड़ी मतलब क्वालिटी अभी अच्छी होती है, बुरी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है ना। मैंने चीज़ें छोटी छोटी वहीं से लेनी है क्योंकि प्राइस में ना ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। तो चले हम नीचे चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता मैं अपना ये बना रही हूँ जी, चाय मैंने रख दी है, ठीक है ना। पैन मैंने वो रख दी है, वो मैंने माशाल्लाह चूल्हा नहीं ऑन किया गाइस, ये मैं कनाडा आई हूँ। अब पता नहीं कौन सा चूल्हा ऑन होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता, लाइक इज़ इट ऑन, जी ये ऑन हो गया, ठीक है। इस पे मैं अभी ब्रेड फ्राई करूँगी। ये मेरे चाय और मेरी हाउस ऑनर इतनी अच्छी हैं, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। वो कह रही है वो कोफ्ते बना रही हैं, तो मैं भी उनके साथ ही खा लूँ, शुक्र है, वरना मुझे तो अभी इतनी टेंशन थी कि मैंने खाना बनाना है सारा, ठीक है ना। और ये सब कुछ मैंने यहाँ रख दिया है, ये चाय यहाँ पे, इसको थोड़ा तेज़ कर देती हूँ ताकि ये बन जाए, और फिर मैं जो हूँ ना ब्रेड फ्राई। अभी मैं जा रही हूँ डॉलरामा, कुछ सामान वगैरह जो है वो लेना है, और मैं पैदल ही निकल आई क्योंकि मेरा दिल कर रहा था ना कि मौसम भी अच्छा था, और फिर मैंने कहा कि मैं घर से घर में बैठी हुई हूँ, आई वाज गेटिंग बोर्ड। अच्छा जी, तो मैं आ गई यहाँ डॉलरामा पे, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बारिश होने वाली है, पता नहीं मेरे पे पानी का कितना गिरा जो गाइस, और मुझे शदीद डर लग रहा है। खैर चलते हैं, इधर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है तो वो लेते हैं हम। चलें, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अल्लाह, तो दुआ खोलना भी इतना मुश्किल है। सॉरी गाइस, दरवाज़ा ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है, ये क्या चीज़ है। चलें 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 गाइस, बर्तन शर्तन ये है जी, $1.25 का। लेकिन मैं ना पहले अपनी बाजी से पूछूंगी कि चाहिए या नहीं, तब मैं लूँगी, या ना हो मैं ऐसे इतने पैसे लगा लूँ और चाहिए ही ना हो घर पे ना। खैर तवा चाहिए मुझे, गर्म तो मैंने कुछ भी नहीं करना लेकिन फिर भी तवा चाहिए। इधर तो नहीं पड़ा हुआ, टिश्यूज मिल गए, ये हम ले लेते हैं बर्तन धोने वाला स्पंज, क्योंकि ना ये मुझे ख़राब हो गया थोड़ा सा घर पे, तो ये मैं ले लेती हूँ। और चलें जी आगे चलते हैं। ये मोर्टिन स्प्रे वगैरह चाहिए तो नहीं, अभी तक मुझे मच्छर नज़र नहीं आए। ये पाम ऑलिव का ये भी है, ये भी घर में है। Would be really strong. Oh, okay. Apple spice. That would be nice. I like apple spice. Thank you. You're welcome. Thank you. ये तो ये हैं $2 के, इतने थोड़े हैं, वॉलमार्ट पे तो मुझे इतने ज़्यादा मिल गए थे। यू गाइज, डॉलरामा इज सपोज टू बी सस्ता, वाई इज़ इट महंगा। मुझे ना ये भी चाहिए डोर के पीछे हैंग करने के लिए। ये इतना जी मीठा शीठा है, कुछ लेना है तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ जेलीज भी हैं, उनको भी आपने देखना होता है कि वह हलाल हैं या नहीं। तो गाइज मुझे ये बात नहीं पता थी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मुझे सुना आप लोगों ने बताते रहना, ठीक है ना। मैं तो पहली बार आई हूँ भाई बाहर, ठीक है। और बाकी अब मेरे पास डायरीज हैं, आई एम राइटिंग ऑन देम, जब वो ख़त्म हो जाएंगी ना, वैसे तो मुझे ये चाहिए। ओ ओ ओ, ये BTS का गाना लगा हुआ है, ये तका, ओ
जी कल मैं भूल गई थी, ये तो लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए है ना। इससे मेरी बोन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगी, तो इस वजह से मैं ये ले रही हूँ, ठीक है ना। और बाकी अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हलाल है या नहीं है, इसलिए मैं ये छोड़ रही हूँ बहुत लंबे बड़े दिल के साथ। अभी ग्लव्स वगैरह का सीज़न नहीं है, तो फिर मैं ये कुछ अर्से तक ही आके लूँगी। रूशा वुड हैव लव्ड इट हेयर। आप उनके व्लॉग्स देखा करें मम्मा के, तो उसमें रूशा बहुत पेंटिंग्स करती है, दिखाती रहती है। मुझे वैसे वाइट बोर्ड चाहिए जो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन कितनी मज़े की आर्ट सप्लाईज हैं, कितनी मज़े की हैं सारी। ये फूल भी लगे हुए हैं, ये कैनवासेस वगैरह कितनी डिफरेंट आई है, कैट वगैरह। मुझे पेंटिंग का शौक नहीं है, उन्होंने मैं कुछ ले लेती। आगे जी हमजा मलिक का कॉर्नर, हमजा साहब का दिल कर रहा होगा ये लेने का। ये पता नहीं, ये मैंने हर व्लॉग में उनका जिक्र करना है ना। ये कितना मज़े का है, ये लूडो, ये खलनास्त्रा को चाहिए इतनी बड़ी लूडो। खलनास्त्रा का दिल करता सारा दिन लूडो ही खेला करें तो ये खलनास्त्रा के लिए, ये हमजा के लिए, ये रूशा के लिए। रूशा भी दिल से इतनी ही है, ठीक है ना। वैसे मुझे भी चाहिए। ये बारबी से खेलते खेलते कब इतनी बड़ी हो गई कि अब्रॉड आके खुद ही शॉपिंग कर रही हूँ। अभी कल तो मैं बारबीज के साथ खेलती थी, और अब यहाँ पे 15,000 पता नहीं कितने किलोमीटर्स दूर, मील दूर अपने माँ बाप से। शायद मुझे पढ़ाई से रिलेटेड भी गाइस कुछ ले ही लेना चाहिए, तो मैं ये पेन्स लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आके लूँगी सारा कुछ। तो ना डायरीज बहुत एस्थेटिक हैं, लुक एट दिस, ओ माई गॉड, मुझे ये चाहिए। पॉकेट लिस्ट कितनी प्यारी है, ये क्या है। ये एक मैंने चाहे वो स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र लिया है, क्योंकि आपको पता है फिर इतने पेन वगैरह अपने हाथों में तो रखने नहीं। मैं एक ये ले रही हूँ क्योंकि ये क्यूट लग रहा है, इसके अलावा तो मेरे पास बाकी सब कुछ है। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हर कोई ये पहनता है, तो ये थोड़ा घोड़ा अच्छा लगेगा, मेरी लुक चेंज हो जाएगी। यू गाइस तो जो सामान है वो मैंने ले लिया, और अब हम घर चलते हैं जल्दी जल्दी बिल करवा के। लाइन इतनी लंबी है जी, लाइन बहुत लंबी होती है यहाँ पर। चलो कोई नहीं, फिर भी चलते हैं घर। घर बिल्कुल साथ है, इसलिए मैं पैदल ही जो है वो जाऊँगी, और फिर मिल दूँगी मैं आप लोगों से घर पहुँच के। सामान जो है सारा ये रख दिया, और अब मैं जाऊँगी घर, और अब मुझे अपनी गाड़ी की बहुत ज़्यादा याद आ रही। चलें जी, कितनी प्यारी फूलों वाली दुकान है यू गाइस। चलें भाई, 2 मिनट लगने मैंने घर पहुँच जाना। चलें चलें चलें, बड़ी धूप है, बड़ी धूप है, बड़ी धूप है, बड़ी धूप, बड़ी धूप। पाकिस्तान में पापा ने सामान कभी भी उठाने नहीं दिया था, मैं पापा की प्रिंसेस जो हूँ यहाँ पे आ गई हूँ कोई नहीं, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी बेटर। इतनी सी तो स्ट्रगल है जो कोई नीचे बात है। वॉक हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई वॉक करके, है ना। अच्छा जी, तो मैं भी अपने रूममेट्स के साथ जो है वो बारबी मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। मैं ब्लैक बनी हुई इस वक्त, पता नहीं मैं बारबी तो नहीं खैर लग रही, क्योंकि ना गाइस मुझे कपड़े इस्त्री करने थे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं बस डॉल ड्रामा से होकर आई, और मेरे पास कपड़े चेंज करने का, इस्त्री करने का टाइम था ही नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बारबी मूवी देखते हैं, और इनकी 3 बेटियां तो बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही है, तो चलो अब हम चलते हैं। बाय बाय। सिनेमा अच्छा है, इट्स गुड, यू नो, इट्स नाइस, थैंक यू, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, थिएटर 12, थैंक गॉड, मूवी स्टार्ट नहीं हुई अभी, थैंक गॉड। Who am I to burst their bubble? And here is one of those Barbies now, living her best day every day. Hey man, you guys gotta pay for that stuff. Well,
girls, and we can play tag. मूवी बहुत मजे की थी. सबसे मजे का ना मुझे म्यूजिक लग रहा था ना. म्यूजिक वाज सो गुड. लाइक म्यूजिक वाज सो गुड. लाइक मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था. दुआ का, एवा का, बिली का, फिर निकी और आइस स्पाइस का. यस अब हम आंटी का जो है वो वेट कर रहे हैं. सहर मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स का भी बता रही हैं कि क्या क्या अच्छा है. और अब लाइक अब हम वेट कर रहे हैं बस. अच्छा जी, तो मैं अपने रूम में आ गई और मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग जो है वो दिखा लेती हूँ. ये मैंने एक पेन होल्डर लिया, ठीक है ना, जिसमें मैं अपना पेन जो है वो रख लिया करूँगी. ये से देख रहे हैं, ये लाइक 15 पेन्स हैं और ये सिर्फ मुझे $1.50 के मिले हैं. इसी तरह ये एक हाईलाइटर्स हैं, ये पेन्स हैं. अभी अच्छी बात है ना, फिर बार बार जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही बार सामान आ गया बस, दैट्स इनफ. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग करती हूँ. ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे कवर सेट करना है तो ऑर्गेनाइजर्स ड्रॉर्स में चाहिए होते हैं. ऑर्गेनाइजर्स के बगैर मैं नहीं सर्वाइव कर सकती. ये किल्ली है जो मतलब दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, लाइक क्लोथ्स हैंगर. और ये जो है वो हैंगर्स हैं. और मैंने एक ये बास्केट ली है जो पूरी है, जो ये पड़ी हुई है ना, ये पूरी मैंने बास्केट ली है. और एक मैंने ये बास्केट ली है. मैंने ये भी लिया है क्योंकि ये ना मतलब बहुत, यहाँ पे $1 समथिंग के थे और वहाँ पे मतलब जो जहाँ हम कल गए थे नो फ्रिल्स गए थे तो वहाँ पे ये लाइक $3 का था. तो इतना फ़र्क था. और हालांकि सेम है सब कुछ, सेम ब्रांड एवरीथिंग. यहाँ पे लिखा 275 का लेकिन ये मुझे $1 समथिंग का मिला. ये टिश्यू का डब्बा भी लिया जिसको मैंने, टिश्यू का डब्बा भी लिया जिसको गाइस मैंने बिल्कुल ही गलत तरीके से खोला. तो मेरा प्लीज़ आप सलीका ना यहाँ पे चेक कीजिएगा. मैं कुछ करती हूँ इसका भी अब.